हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, ये आपके फ़ोन के एनिमेशन के बारे में है। आपके फ़ोन में किस तरह से आप एक लाइव वॉलपेपर को चला सकते हैं, और वो भी टिकटॉक के थ्रू से। तो ये आपके फ़ोन में खुद ही एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। मैं आपको आज इसी के बारे में गाइड करूँगा कि ये किस तरह से होता है। ये गलती से मेरे से एक एप्लीकेशन ओपन हो गई, तो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने आ जाना है इस स्क्रीन पे, आपने टैप करके रखना है, तो वॉलपेपर पे क्लिक कर लेना है नीचे, ठीक है। तो ये आपके मोबाइल में अपने जो वॉलपेपर्स होंगे वो आ जाएंगे, जिसको आप अगर चाहें तो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा डाउनलोडेड वॉलपेपर्स भी नीचे है, कुछ हैं वो आ जाएंगे। ऊपर दोस्तों देखें तो लाइव वॉलपेपर का एक ऑप्शन है। अगर आप इस लाइव वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। आप या दूसरा ऑप्शन क्लिक कर लें, अगर दूसरा वाला हर किसी के पास नहीं आता, ये तीसरा वाला जो टिकटॉक लिखा ये आ जाता, तो आपने टिकटॉक पर क्लिक कर लेना है, ठीक हो गया। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो टिकटॉक आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा, और उसमें जितने भी लाइव वॉलपेपर्स होंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। ये अभी मैंने ये वाले लगाए हुए थे, इसलिए मैं दूसरे वाले पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने असल में ये वाला वॉलपेपर लगाया हुआ, तो अभी आ नहीं रहा। लेट मी सी के क्या वजह है इसकी, तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। अच्छा, आपने आ जाना है उसी तरह से वॉलपेपर में, लाइव वॉलपेपर्स में आके आपने टिकटॉक वीडियो वॉलपेपर में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपके पास बहुत सारे वॉलपेपर आ जाएंगे। मेरे पास ये किसी लिए आ रहा है कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया है, तो अब पता नहीं ये हट क्यों नहीं रहा। तो मैं जो हूँ आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से, आपने इस नीचे वाले टिकटॉक पे क्लिक करके आपने बना लेना है। इस पे आप आएंगे ना, तो आपके पास टिकटॉक में बहुत सारे वॉलपेपर्स आएंगे। अगर आप इसमें इस तरह नहीं करना चाहते, तो आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, सबसे इजी वाला तरीका। सबसे इजी वाला तरीका इस तरह, सबसे पहले मैं अपना वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ। आपने आ जाना है टिकटॉक की एप्लीकेशन में, जो कि टिकटॉक ऑफिशियल एप्लीकेशन है। यह आपको गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी एप्लीकेशन, ठीक हो गया। ये मेरा फ़ोन थोड़ा सा स्लो हो चुका है, तो इसमें इस वजह से लोडिंग हो रही है, मेरा इंटरनेट भी स्लो है। आपने यहाँ पे आके सर्च पे क्लिक कर लेना है, और सर्च में आपने लिखना है लाइव वॉलपेपर, ठीक है। ये आ जाएगा लाइव वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर आ गया। तो इसमें आपने आ जाना है यहाँ पे वीडियोस में। जैसी वीडियोस में आप आएंगे, देखिए ये जो पहला वाला है ना, ये वाला मैंने अभी लगाया हुआ है करंटली। इसके अलावा और भी लाइव वॉलपेपर यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ, ये वाला जो लाइव वॉलपेपर है, ठीक है। अगर मैं इसको लगाना चाहूँ, ये तो पिक्चर है, इसको इन्होंने लाइव वॉलपेपर में डाला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो मैंने लगाया हुआ है ना, मैंने किस तरह लगाया था। यह नीचे पे एरो शेयर वाला जो निशान है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इसमें आपने नीचे आ जाना है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन है सेट एज वॉलपेपर, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में एज अ वॉलपेपर, ये वाला वॉलपेपर जो है वो सेट हो जाएगा, और ये बहुत मज़े का लगता है। आप इस चीज़ को ट्राई करें, मुझे ये चीज़ न्यू मिली, तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी आप इसको ट्राई करें, और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है। क्योंकि स्टैटिक वॉलपेपर तो ये है कि वो मतलब बंदा बोर हो जाता है उससे। ये लाइव वॉलपेपर में ये एक नुकसान है कि ये आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा पी लेता है, चार्ज आपका मोबाइल जो है वो जल्दी पर ख़त्म करता है। लेकिन इसमें ये बेनिफिट है कि आपके पास जो है वो स्क्रीन आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करें, और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।